गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कल हमने वासुदेव बलवंत फड़के जी के बारे में जाना था और आज हम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध होने वाले इस दूसरे विस्फोट ने सरकार को सचेत कर दिया था। वो पहले से अलर्ट हो चुके थे और अंग्रेजी सरकार की जो नीति थी वो दमन करना था और जो उनकी दमन करने की नीति थी वो उसने तेजी पकड़ ली। सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा, जो मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, सर, बहादुर आदि की उपाधियां बांटकर बड़े बड़े जो अधिकारी थे समाज के और समाज के सम्मानित लोग थे उनको अपने पक्ष में करना प्रारंभ कर दिया था। मुसलमानों की शिक्षा के लिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की भी स्थापना कर दी थी। देश के गौरवशाली इतिहास को बदलने का भी उन्होंने प्रयास किया था। भारत की जनता को जंगली, असभ्य, अशिक्षित, पूर्वजों की संतान कहकर उनको प्रचारित किया जाता था। इसी समय अंग्रेजों के इन षड्यंत्रों को विफल करने के लिए देश में सांस्कृतिक जागरण के प्रयास चलते रहे। इनकी कहानी हमने पिछले पार्ट में पढ़ी थी। देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने की योजनाएं बनाई जाने लगी। धीरे धीरे स्वतंत्रता का आंदोलन छिड़ गया। इस आंदोलन में देश की सामान्य जनता, युवा, बाल, बूढ़े, शहरी, ग्रामीण, इन सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किए गए राजनीतिक, क्रांतिकारी और साहित्यिक और धार्मिक प्रयासों को हम अगले पाठों में पढ़ेंगे।